सीपीएम और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन और दूसरी तरफ त्रिपुरा गठबंधन। त्रिपुरा में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने यही चुनावी बिसात बिछाई है। दावा तो ये है कि विपक्ष के जाल में बीजेपी उलझ कर रह जाएगी, लेकिन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि दिल्ली में बैठकर सीताराम येचुरी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन त्रिपुरा की जमीन पर इस गठबंधन को लोगों ने नकार दिया। 16 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभी दल अपने प्रमुख नेताओं से चुनाव प्रचार करवा रहे हैं। भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर चुके हैं। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री माणिक शाह जीत को लेकर अपना दावा ठोक रहे हैं। दूसरी ओर केरल में एक दूसरे के दुश्मन सीपीएम और कांग्रेस त्रिपुरा में एक दूसरे के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर जनजातीय बाहुल इलाके में त्रिपुरा गठबंधन की भी अच्छी पकड़ है। इस बीच त्रिपुरा ओपिनियन पोल के नाम से एक मतदान पूर्व सर्वे आया है। सर्वे में 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में कहा गया कि इसमें ग्रामीण और शहरी इलाकों के मतदाताओं से डेटा इकट्ठा किया गया। ग्रामीण इलाकों के जनजाति और गैर जनजातीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार यहां की कुल 60 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 30 से 35, सीपीएम गठबंधन को 16 से 13 और त्रिपुरा गठबंधन को 13 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वोट शेयर की बात करें तो सीपीएम गठबंधन ने इसमें बाजी मारी है। सर्वे के अनुसार सीपीएम गठबंधन को 41% से अधिक वोट शेयर मिला, वहीं भाजपा गठबंधन को 32 से 39% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी ओर त्रिपुरा गठबंधन को 16 से 21% और अन्य को 1 से 2% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है। डेमोग्राफी के हिसाब से बात करें तो बंगाली हिंदुओं की पहली पसंद भाजपा है और सर्वे के मुताबिक करीब 60% बंगाली हिंदुओं द्वारा भाजपा को वोट देने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद 30% बंगाली हिंदुओं को सीपीएम गठबंधन और 8% बंगाली हिंदुओं को त्रिपुरा गठबंधन को वोट देने का अनुमान जताया गया है। वहीं 2% बंगाली हिंदुओं ने अन्य पार्टियों को वोट दिया है। दूसरी ओर बंगाली मुस्लिमों की अगर बात करें तो इसमें सीपीएम गठबंधन सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।